नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार, और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। बलकार ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे छोटी हार्वेस्टर है और ये 31 इंची बॉडी में है। इस ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का जो ड्रम बॉडी साइज है वो 31 इंची है, जो कि सबसे छोटा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर है। और इसका जो कटर बार है वो 7.5 फुट का है। इस कटर बार का जो रील होल्डर है और कटर बार का जो फ्रेम है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन है। इसकी जो रील है वो हाइड्रोलिक एडजस्टेबल है, जिसमें ड्राइवर सीट पर बैठे ही कंट्रोल वाल्व की हेल्प से रील को ज़रूरत के अनुसार ऊपर नीचे कर सकता है। और इसके जो हेड है और एलिवेटर्स हैं उसमें SS का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है। ये इसका ट्रैक है जो कि ब्रिज स्टोन का है। और ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर स्पेशली गीली मिट्टी और पानी भरे इलाकों में धान की फसल को कटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्रॉप स्टार 7500। इसमें जो पंप और मोटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो ईटन ब्रांड के यूज़ किए गए हैं। इस मशीन की एक और ख़ासियत है, इससे जो धान की वेस्टेज निकलती है वो बड़े साइज में होती है, जिससे किसान भाई धान की वेस्टेज को उठा सकते हैं और उस पराली के बंडल बनाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको स्टॉक भी कर सकते हैं। इसमें जो स्टो वॉकर हैं वो 4 स्टो वॉकर दिए गए हैं, और इसमें जो सीब हैं, जो चारने हैं, वो काफ़ी लंबे दिए गए हैं, जिससे इनकी छनाई की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी मिलती है। और ये इसका टूल बॉक्स, ये इसका डीजल टैंक है, इसमें एक सफ़ेद पाइप दिया गया है, इससे आप टैंक में डीजल का लेवल चेक कर सकते हैं कि टैंक में अभी कितना डीजल बाकी है। और ये इस पर सीढ़ी दी गई है जो कि हार्वेस्टर पर चढ़ने के लिए है। ये इसका रेडिएटर जो कि साइज में काफ़ी बड़ा है, और इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई है, इससे इंजन को अच्छी कूलिंग मिलती है। क्रॉप स्टार, और ये इसका एयर टैंक है जिसमें डायल इंडिकेटर गेज भी है, जिससे आप प्रेशर को चेक कर सकते हैं। और इस एयर टैंक का इस्तेमाल रेडिएटर को साफ़ करने या हार्वेस्टर पर जो धूल जम जाती है उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका हाइड्रोलिक रील एडजस्टेबल सिस्टम है, जिसको ड्राइवर ऊपर बैठे ही हाइड्रोलिक बाल्ब से रील को ज़रूरत के अनुसार ऊपर नीचे कर सकता है। कई बार फसल कटिंग के समय रील को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका सीट है जो कि एडजस्टेबल है, और ये इसका कंट्रोल पैनल,
और ये इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल बल्ब्स। ये इसका ग्रीन टैंक जिसकी कैपेसिटी लगभग 7 से 8 क्विंटल है, इसमें आप 7 से 8 क्विंटल दाना स्टोर कर सकते हैं। और ये इसका इंजन ब्लॉक, इसमें जो इंजन दिया गया है वो अशोक लेलैंड का 76 HP 4 सिलेंडर इंजन है जो कि रेड कलर में है। और इस तरह ग्रीन टैंक पे बैक साइड में एक LED लाइट दी गई। इसका जो रेडिएटर है वो काफ़ी बड़ा है, रेडिएटर के बड़े साइज की वजह से इंजन का जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। इस मशीन का जो ड्रम बॉडी साइज है वो 31 इंची है और इसका जो कटर बार है वो 7.5 फुट का है। इसमें जो स्ट्रो वॉकर हैं वो 4 स्ट्रो वॉकर हैं और इसका जो रील है वो हाइड्रोलिक एडजस्टेबल रील है। और इसके जो ग्रेन टैंक है उसकी कैपेसिटी 7 से 8 क्विंटल है और इसमें जो इंजन है वो अशोक लेलैंड का 76 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर इंजन है जो कि रेड कलर में है। इस मशीन का जो बेसिकली इस्तेमाल है वो गीली मिट्टी या फिर पानी भरे खेतों के लिए है, जिसमें आप पानी भरे खेतों में आप अपने धान की फसल काट सकते हैं। दोस्तों, बलकार हार्वेस्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें। इनका नंबर है 9880964 65 और इनका जीमेल है balkarcombines@gmail.com। गुरु नानक एग्री इंजीनियरिंग बॉक्स, भटिंडा रोड, हंडियाया, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब। दोस्तों, कृषि से संबंधित नई मशीनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।